हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। रीसेंट वीडियोस में हम डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते आ रहे हैं अलॉन्ग विद डिफरेंट कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज इन द फ्रेमवर्क ऑफ सोशियोलॉजिकल परस्पेक्टिव। सो इस वीडियो में भी हम एक और सोशल प्रॉब्लम की बात करेंगे, एक और इनइक्वलिटी की बात करेंगे, दैट इज़ बेस्ड ऑन जेंडर। आप पाकिस्तानी सोसाइटी में या डिफरेंट सोसाइटीज़ में कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं मैन या वुमेन के साथ, कहीं पे आप डिफरेंट और प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, कहीं पे हम औरत मार्च की तरफ जा रहे होते हैं, कहीं पे हम और डिफरेंट मूवमेंट्स या कलेक्टिव एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी डायमेंशंस हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जेंडर इनइक्वलिटी प्रिवेल करती है एक सोसाइटी के अंदर, या जेंडर इनइक्वलिटी से रिलेटेड कौन कौन से और प्रॉब्लम्स हैं और इसके पीछे कौन कौन से, क्या बैकग्राउंड है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ जो अंडरस्टैंड करने की है वो ये है दैट जेंडर का मतलब बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है। जेंडर का मतलब डिफरेंस बिटवीन मैन एंड फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स ऑर्गन्स नहीं है, बल्कि जेंडर एक सोशली एंड कल्चरली कंस्ट्रक्टेड टर्म है। और हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में डिफरेंट चीज़ें ऐसी हैं जो कि सोशली कंस्ट्रक्टेड हो जाती हैं, सोशल कंस्ट्रक्शंस हैं, उनके पीछे एम्पिरिसिज्म या उनके पीछे कोई साइंस, कोई लॉजिक इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सोशली हम कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर उन पर हम इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और उसके बेस पे हम इंडिविजुअल्स को कन्फॉर्मिस्ट या फिर डिवियंट समझ रहे होते हैं। सो सबसे पहले ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की है डेट बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन इज कॉल्ड सेक्स, एंड सेक्स इज़ द फर्स्ट लेबल डेट एन इंडिविजुअल गेट्स इन इज लाइफ, रिसीव्स इन इज लाइफ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। जो आपके पैदा होते ही आपकी बर्थ पे जो वेरी फर्स्ट लेबल आपको मिलता है, थ्रू आउट लाइफ आपको डिफरेंट लेबल्स मिलते रहते हैं। कहीं पे किसी को डिवियन कहा जाता है, कहीं पे किसी को कन्फॉर्मिस्ट कहा जाता है, कहीं पे किसी को कोई स्टेटस मिल जाता है, कहीं पे लोगों की लाइफ में मोबिलिटीज आ रही होती हैं, डिफरेंट चीज़ें हो रही होती हैं, आप लर्निंग प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। लेकिन जो फर्स्ट लेबल जो आपको बर्थ के टाइम पे रिसीव होता है आपकी लाइफ में, वो आपका सेक्स है, डैट इज़ बेस्ड ऑन योर जीन्स एंड योर सेक्स ऑर्गन। अब जेंडर की अगर बात करें तो जेंडर सेक्सुअल ऑर्गन्स की बेस पे नहीं, बल्कि जेंडर कल्चरली एंड सोशली कंस्ट्रक्टेड डिफरेंस है बिटवीन फीमेल्स एंड मेल्स, और फिर इस डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट मीनिंग्स जोड़ लेते हैं, हमारे डिफरेंट बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस होते हैं जो हमारी सोसाइटी एसोसिएट करती है विद फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी। मीन्स मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस क्रिएट करके और फिर हम उनसे डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न्स आस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और डिफरेंट आस्पेक्ट्स होते हैं डेट आर बेस्ड ऑन डिवीजन बिटवीन डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल्स। तो बात करते हैं कि अगर जेंडर इनइक्वलिटी देखते हैं तो जेंडर रोल्स में बायोलॉजिकल बेसिस क्या हैं और सोशल बेसिस क्या हैं। अगर बायोलॉजिकल बेसिस की बात करें तो हम दो चीज़ों की बात करेंगे डेट आर क्रिएटिंग डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल, और वो है आपके हॉर्मोन्स और आपके क्रोमोजोम्स। यानी एक्स और एक्स का मतलब होता है फीमेल क्रोमोजोम्स एंड एक्स वाई का मतलब होता है मेल क्रोमोजोम्स। सो अगर ये दो टाइप ऑफ क्रोमोजोम्स किसी में पाए जा रहे हैं तो आप इसकी बेस पे जो डिफरेंस करते हैं क्रोमोजोमल डिफरेंस, वो डिफरेंस होता है मेल एंड फीमेल के बीच में। दूसरा डिफरेंस होता है हॉर्मोन्स डेट आर एंड्रोजेंस एंड ईस्ट्रोजेंस। ये वो हॉर्मोन्स हैं जो कि रिस्पेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर डिवेलपिंग एंड फॉर जनरेटिंग डिफरेंट फीमेल और मेल करेक्टरिस्टिक्स। जैसे अगर आप फीमेल्स की बात करें तो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी उनकी बॉडी में डिफरेंट फीचर्स में चेंजेस आ रहे होते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से। अगर आप मेन की बात करते हैं तो उनकी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आ रहे होते हैं, उनकी हेयर्स की ग्रोथ, उनकी वॉइस डीप होना, बॉडी फिगर, ये सारी चीज़ें जो कि एक ख़ास किस्म के हार्मोन की वजह से होती हैं जो एंड्रोजन और ईस्ट्रोजेंस हैं। ये दोनों हार्मोन्स डिफरेंट क्वांटिटीज़ में मेल और फीमेल दोनों में मौजूद होते हैं, लेकिन रिस्पेक्टिवली जो मेल हार्मोन है इन जो एंड्रोजन है वो मेल्स में ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्स के आ जाते हैं और वाइस वर्सा फॉर फीमेल्स।
सो बायोलॉजिकल बेसिस की अगर आप बात करें तो क्रोमोसोम्स और हार्मोनल डिफरेंस की वजह से आप बायोलॉजिकली मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, जिसे आप सेक्स का नाम देते हैं। अगर आप सोशल बेसिस की बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ों की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जेंडर बिलीफ सिस्टम, यानी कि आपकी सोसाइटी का क्या बिलीफ सिस्टम है, क्या आइडियाज़, क्या वैल्यूज़ है, कौन सी एक्सपेक्टेशंस हैं मेल या फीमेल से, उसके बेस पे डिवीज़न करना। और दूसरी चीज़ जेंडर डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी आप अगर पहले की सोसाइटीज़ में भी देखें, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी की बात करें, तो मेल जो थे उनका काम हंटिंग का था, वो बाहर जाते थे, हंटिंग करते थे, टूल्स को यूज़ करते थे। फीमेल्स का काम था कि वो गैदरिंग करेंगी नट्स वगैरह को। अगर आप आज की भी बात करें फैमिलीज़ की, तो फैमिलीज़ में एक्सपेक्टेशंस होती हैं डेट मेल्स आर दी बेसिक इकोनॉमिक अर्नर्स, इकोनॉमिक फील्ड में उनका ज़्यादा पार्ट होता है। इसके अलावा दे आर मोर प्रोन टूवर्ड्स डिसीजन मेकिंग, वो ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, मीन्स अथॉरिटेरियन होते हैं। ऑन दी अदर हैंड फीमेल्स आर मोर डोसाइल, दे आर मोर केयरिंग एंड दे आर गोइंग टू फुलफिल द इमोशनल नीड्स ऑफ ऑल द मेम्बर्स ऑफ फैमिली। इसके अलावा टू रेज द चिल्ड्रन, ये चीज़ें होती हैं, मीन्स एक्सप्रेसिव गोल्स होते हैं जो कि फीमेल्स के साथ ओरिएंटेट कर दिए जाते हैं। तो अगर आप सोशल बेसिस की बात करें तो एक जेंडर का बिलीफ सिस्टम और दूसरा ये डिवीज़न ऑफ लेबर जो हुई हुई है मेल एंड फीमेल के लिए रिस्पेक्टिवली, ये बेस बनता है जेंडर रोल्स के लिए। अब बात करते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी का सोशलाइजेशन के साथ क्या ताल्लुक है। मींस अगर आप जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं या देर इज़ एन इनइक्वालिटी डेट इज़ बेस्ड ऑन जेंडर, तो इसका सोशलाइजेशन से क्या ताल्लुक है? बिल्कुल है। सोशलाइजेशन आपका लर्निंग प्रोसेस है, वीडियो लास्ट रीसेंट वीडियोस में मौजूद है, आप जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा। सोशलाइजेशन आपका एक लर्निंग प्रोसेस है जिसमें आप डिफरेंट चीज़ें सीख रहे होते हैं, आप बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज़, अपने कल्चर को सीख रहे होते हैं, और आप में कल्चर ट्रांसमिट किया जा रहा होता है, जनरेशन में कल्चर को ट्रांसमिट किया जा रहा होता है। तो आपके जो डिफरेंट सोशलाइजिंग एजेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स, पीयर्स, टीचर्स, स्कूल, स्पोर्ट्स, मीडिया, ये सारी एजेंट्स हैं जो कि डिफरेंशिएट करती हैं बिटवीन मेल एंड फीमेल्स। आप फैमिलीज़ की बात करें, आपको पेरेंट्स बता रहे होते हैं इफ़ यू आर अ फीमेल आपको ऐसी टोन में बात करनी है, आपको यू नीड टू बी इन्वॉल्व इन द हाउस कोर्स, बेशक इफ़ यू आर गोइंग फॉर जॉब, इफ़ यू आर गोइंग फॉर एजुकेशन, यू आर इंटाइटल्ड टू बी पार्ट ऑफ हाउस कोर्स एज वेल। इसके अलावा अगर आप मेल्स की बात करते हैं तो उनको डिफरेंट वे में ट्रीट किया जा रहा होता है, जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर। मीन्स ये चीज़ें जो हमें फैमिली से सिखाना स्टार्ट कर दी जाती हैं। मैन अगर रोते हैं तो उनको कहा जाता है यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर नॉट सपोज टू क्राई, यू आर नॉट सपोज टू एक्सप्रेस यूर इमोशंस, यू शुड कंट्रोल योर इमोशंस। ये चीज़ें सारे बिलीफ सिस्टम है जो आपके बिगनिंग से स्टार्ट हो जाते हैं। आप मीडिया की बात करें, आप डिफरेंट ड्रामा सीरियल्स को देखें, वहाँ पे एक डिफरेंट वे में मेल और फीमेल में डिवीजन की जा रही होती है। इफ़ यू आर अ फीमेल यू आर सपोज टू बी मोर पार्ट ऑफ योर फैमिली इंस्टीट्यूशन, यू शुड बी इन्वॉल्व इन हाउस कोर्स, इन ब्रिंगिंग अप योर चिल्ड्रन, इन परफॉर्मिंग डिफरेंट रोल्स डेट आर एसोसिएटेड इन योर हाउस होल्ड। अगर आप मेल्स की बात करते हैं तो वो अर्नर्स होते हैं, उनका एक डोमिनेंट रोल होता है, उनका एक डोमिनेंट एक डिसीजन मेकिंग रोल दिया जा रहा होता है। आप अगर अपने टीचर्स की बात करें, स्कूल्स में ड्रेस कोड से लेकर डिफरेंट बिहेवियरल पैटर्न तक दोनों मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा होता है। अगर छोटी सी बच्ची है, शी इज़ रनिंग एट स्कूल, उसको टीचर टोकेगी यू आर अ गर्ल, यू नॉट सपोज टू सिट लाइक दैट, यू नॉट सपोज टू रन लाइक दैट। ये सारी चीज़ें जो इंस्टिंक्ट की जा रही होती हैं मेल एंड फीमेल में, जेंडर इनइक्वलिटी परपेचुएट की जा रही होती है थ्रू योर डिफरेंट सोशलाइजिंग एजेंट्स। और इसमें मैं एक एग्जांपल देती हूँ एक रिसर्च की, डैट एक रिसर्च हुई थी जिसमें 6 मदर्स को 2 बेबीज दिए गए थे, एक ने पिंक ड्रेस पहना हुआ था और एक ने ब्लू ड्रेस पहना हुआ था। तो जो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उस टाइम पे, उसके बाद रिजल्ट ये निकला कि जो पिंक ड्रेस में बेबी था उसको इन अ डिफरेंट वे बिहेव किया जा रहा था, उसे टॉयज में जो गर्लिश टॉयज होते हैं, फीमेल टॉयज होते हैं, मीन्स डॉल्स वगैरह, वो दी जा रही थी उसकी। इवन वॉइस टोन में जो मदर्स थी, देवर परसीविंग दैट वॉइस टोन जो है वो बहुत लाउड है, बहुत क्यूट है, बहुत स्वीट है। ऑन दी अदर हैंड जो ब्लू ड्रेस में बच्चा था उसको मेल टॉयज दिए जा रहे थे, मीन्स कार्स, ट्रेन्स वगैरह,
उससे डिफरेंट वे में बिहेव किया जा रहा था। और बाद में जब ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ तो डाटा कलेक्ट करने के बाद और कंक्लूजन के बाद पता चला कि वो दोनों सेम सेक्स हैं, बट सिर्फ ड्रेसिंग की वजह से, एक ने पिंक पहना था एक ने ब्लू पहना हुआ था, ड्रेसिंग की वजह से उनके साथ डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस और डिफरेंट आस्पेक्ट कनेक्ट कर दिए थे उन मदर्स ने। तो ये चीज़ें हैं जो हमें शुरू से सिखाई जा रही होती हैं, सोशलाइज किया जा रहा होता है हमें कि मेल्स हैं अगर तो आपसे डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हैं और अगर फीमेल्स हैं तो आपसे डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हैं। अब बात करते हैं कि डिफरेंट जो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं दैट कंट्रीब्यूट टू कंटेम्प्रेरी जेंडर इनइक्वालिटी, उसमें आपका जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर आता है, वेज गैप, सेक्सुअल हरेसमेंट, ग्लास सीलिंग या ग्लास एस्केलेटर और डबल शिफ्ट। ये वो पांच स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं दैट कंट्रीब्यूट टू कंटेम्प्रेरी जेंडर इनइक्वालिटी इन आर सोसाइटीज। सबसे पहले अगर जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें या जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें तो देर इज जेंडर्ड सेग्रीगेटेड वर्क, मीन्स अगर मेल्स हैं तो उनको डिफरेंट काम दिए जा रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, इंस्टीट्यूशंस में, अगर फीमेल्स हैं तो उनको डिफरेंट काम दिए जा रहे होते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर है जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो मेल्स हैं सोशल कैटेगरी में या लेबर फोर्स में उनके लिए स्टेटस अपॉर्चुनिटीज़ और सैलरीज ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, क्योंकि उनको एक डिफरेंट वे में परसीव किया जा रहा होता है। इसके अलावा अगर आप इसको बिल्कुल माइक्रो लेवल पे अगर एग्जांपल देखते हैं तो अगर एक छोटा सा स्टूडेंट्स का ग्रुप है फॉर एग्जांपल और उसमें एक मेल स्टूडेंट है और उनको एक असाइनमेंट दिया गया है जिसमें उनको बाहर का भी काम करना है और उनको इनसाइड भी काम करना है इंस्टीट्यूशन के अंदर, सो मोस्टली मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट चांसेस ये हैं कि जो मेल स्टूडेंट होगा उसको बाहर के काम दिए जाएंगे और जो फीमेल स्टूडेंट्स होंगी वो इस इदारे के अंदर रहते हुए काम कर रही होंगी, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो हमने स्टार्टिंग से सेग्रीगेट की हुई है, हमने अपने वर्क में सेग्रीगेशन रखी हुई है कि अगर मेल है तो वो क्या करेगा। इसके अलावा US सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करें तो जो विमेन हैं उनकी ऑक्यूपेशंस पिंक कॉलर ऑक्यूपेशंस हैं स्टिल, जिसमें दे डू हैव रिलेटिवली लो पेइंग जॉब्स जहाँ पे नॉन मैनुअल काम होता है, सेमी स्किल्ड पोजीशंस होती हैं, मींस बिल्कुल प्राइमरीली पोजीशन, और इसके साथ साथ उनका काम कंटेंजेंट होता है जो कि आप हिस्ट्री में भी देख चुके हैं काफ़ी बार, दैट फीमेल्स का काम पार्ट टाइम काम टेम्प्रेरी काम उनको दिया जाता है, सब कॉन्ट्रैक्टेड वर्क दिया जाता है। और एक रिसर्च में अगर आप वॉर के हवाले से भी बात करें तो एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये बताया गया था दैट 58 आउट ऑफ 61 कंट्रीज सोसाइटीज़ जिसमें जो विमेन हैं उनको एक्सक्लूड किया जाता है वॉर्स से, मीन्स दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दी वॉर्स। क्यों? क्योंकि जो मेल्स हैं उनको हम इंस्ट्रूमेंटल समझ के उनको काम डिफरेंट वे में दे रहे होते हैं और फीमेल्स को समझा जा रहा होता है दैट दे आर जस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ हाउस होल्ड, वो घर पे रहेंगी और सारे घर के जो टास्क हैं जो एक्सप्रेसिव टास्क हैं वो परफॉर्म करेंगी। देन वेज गैप की अगर बात करें सो ऑब्वियसली देर इज़ अ डिस्पैरिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन्स अर्निंग, क्योंकि काम डिफरेंट है, क्योंकि दोनों की डिवीज़न हुई भी है काम के हवाले से, इसलिए फिर उनकी सैलरीज भी डिफरेंट होती हैं। जो मेल्स होते हैं उनको ज़्यादा सैलरीज ऑफ़र की जा रही थी, उनकी सैलरीज ज़्यादा होती हैं इंस्टीट्यूशंस में एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, और ये मेजॉरिटी की बात हो रही है। और अगर आज के रिसर्चर्स जो हैं वो ये मानते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि वेज गैप ना हो या फिर डिस्पैरिटी ना हो ऑन द बेसिस ऑफ सैलरीज, सो जेंडर के बजाय ये देखना चाहिए कि सामने वाले के पास जो भी आपके पास जॉब के लिए आता है उसके पास एजुकेशन कितनी है, ट्रेनिंग कैसी है, स्किल्स कैसी हैं, इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पोजीशन और साथ साथ वर्किंग कंडीशंस देख के सैलरीज डिसाइड होनी चाहिए, ना कि बेस्ड ऑन जेंडर, क्योंकि अगर आप बेस्ड ऑन जेंडर किसी की सैलरीज डिसाइड करते हैं सो दैट इज़ ऑब्वियसली अ डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी टू द अपॉर्चुनिटी। देन सेक्सुअल हरेसमेंट की बात करें सो मोस्टली इदारों में women are facing sexual harassment, they are more targeted towards sexual harassment, और इसमें ये होता है कि कहीं पर उन्हें sexual advances, कहीं पर उन्हें request की जा रही होती हैं for sexual favors, कहीं पर उन्हें verbal या physical way में harassment suffer करना पड़ता है, और अगर वो ना करते हैं means employees को या bosses को अगर वो नहीं कहते हैं तो obviously उनको fire कर दिया जाता है या fire करने के threats दिए जाते हैं। सो एक ये भी इनइक्वालिटी है जहाँ पे वुमेन को सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट समझा जाता है और उन्हें हरेस करने की कोशिश की जा रही होती है बाय एम्प्लॉयज़ या फिर बाय ऑफिसर्स या जो भी उनके ओनर्स होते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल हरेसमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है दैट इट इज़ अबाउट अट्रैक्शन,
इट इज़ एक्चुअली एन अब्यूज़ ऑफ पावर, जहाँ पे जो पावर में लोग हैं या फिर पावर में नहीं भी हैं अगर, तो पावर बेस्ड ऑन जेंडर, यानी कि अगर आप मेल हैं तो आप अपने पावर का एक्स्ट्रा नेगेटिव यूज़ करते हैं, और उस यूज़ के करते हुए आप सेक्चुअली हरेस कर रहे होते हैं फीमेल्स को इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑब्वियसली एक डिस्क्रिमिनेशन है. बाकी डिटेल्स को रीड कर लीजिएगा फ्रॉम दी स्लाइड. अब बात करते हैं ग्लास सीलिंग की. ग्लास सीलिंग इफेक्ट इज़ एक्चुअली द इनविजिबल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बैरियर बेस्ड ऑन एटीट्यूडनल और ऑर्गेनाइजेशनल बायस दैट प्रिवेंट्स क्वालिफाइड एंड डिजर्विंग पीपल फ्रॉम एडवांसिंग अपवर्ड टू टॉप मैनेजमेंट लेवल पोजिशंस इन देयर ऑर्गेनाइजेशंस. देखें, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में, इनफैक्ट ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में, एक ग्लास सीलिंग होता है, एक इनविजिबल बैरियर होता है जो कि क्वालिफाइड या डिजर्विंग लोगों को रोकता है कि वो अपवर्ड मूव कर सकें या टॉप मैनेजमेंट में या टॉप लेवल पोजीशंस में जा सकें. और इस तरह के जो बैरियर्स होते हैं ये भी बेस कर रहे होते हैं सेक्स पे, एज पे, या फिर रिलीजियस एफिलिएशन पे, या और डिफरेंट चीज़ों की वजह से. मीन्स अगर आप सामने वाले को उसकी जेंडर की वजह से किसी पोजीशन पर नहीं पहुँचने दे रहे, अगर आप एज की वजह से नहीं पहुँचने दे रहे, अगर आप किसी को उसके बिलीफ सिस्टम की वजह से नहीं पहुँचने दे रहे, सो ऑब्वियसली इट इज़ समथिंग, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. इट इज़ समथिंग दैट इज़ ऑब्जेक्टिव, कि आप बायस्ड हैं, आप बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स सामने वाले को जो कि डिजर्विंग है उसे एक पोजीशन पर नहीं पहुँचने दे रहे. सो ये भी एक प्रॉब्लम है. इसके अलावा डबल शिफ्ट की अगर बात करें, सो इसका सिंपल मीनिंग में ये मतलब है दैट जो मेल्स हैं उनकी सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दे नीड टू अर्न. वो जस्ट इकॉनमी में इन्वॉल्व हैं, वो जाते हैं, दे आर डूइंग देयर जॉब्स एंड दैट्स इट. फीमेल्स की बात करें, दे नीड टू हैव डबल शिफ्ट, जहाँ पे दे आर वर्किंग वुमेन एज वेल एज दे आर परफॉर्मिंग हाउस कोर्स. आज की सोसाइटीज़ में स्पेशली जो ड्वेल अर्नर मैरिजेस होती हैं या ड्वेल अर्निंग फैमिलीज होती हैं जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अर्निंग कर रहे होते हैं, तो ऐसी सोसाइटीज़ के अंदर जो फीमेल्स हैं उनसे डबल शिफ्ट एक्सपेक्ट की जा रही होती है कि वो जॉब भी करेंगी और साथ ही साथ वो हाउस होल्ड्स को भी, जो हाउस कोर्स हैं उनको भी परफॉर्म कर रही होंगी. सो एक ये शिफ्ट है, और इसको अगर आप डिटेल में देखें तो ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल पे जब डबल रोल्स आ जाएंगे तो वहाँ पे डिसफंक्शनिंग भी क्रिएट होगी, वहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन भी क्रिएट होगी. सो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है जो कि एक पर्टिकुलर जेंडर को फेस करना पड़ता है. अब बात करते हैं कि तीन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जेंडर इनइक्वलिटी के बारे में क्या पॉइंट्स देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिस्ट की बात करें, सो इस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है ये भी एक सिंबल है जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, एक वे ऑफ इंटरेक्शन है. और इस लैंग्वेज में डिफरेंट सिम्बल्स होते हैं, जैसे कि लिंग्विस्टिक सेक्सिज्म की अगर आप बात करें, सो वो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सोसाइटी में इनइक्वलिटी को परपेचुएट कर रही होती हैं. मिसाल के तौर पर लैंग्वेज के अंदर अगर आप फीमेल्स की बात करें तो उनको ज़्यादा पोर्ट्रे किया जा रहा होता है दैट दे आर इग्नोर्ड, दे आर डीवैल्यूड, दे आर सेक्स ऑब्जेक्ट्स, और जो मेल्स हैं उनको ज़्यादा डोमिनेंट करेक्टर दिखाया जा रहा होता है. सो एक ये प्रॉब्लम है कि जो आपका लिंग्विस्टिक है. इसके अलावा लिंग्विस्टिक्स में अगर आप जनरलाइज वे में बात करने वाले हैं तो आप ही का वर्ड यूज़ करते हैं. सो ही इज़ एन अ सब्जेक्ट दैट इज़ यूज फॉर मेल्स, नॉट फॉर फीमेल्स. लेकिन अगर आप जनरलाइज वे में बात करते हैं तो आप ही यूज़ करते हैं. आप ओवरऑल लोगों के लिए मैनकाइंड का वर्ड यूज़ करते हैं. यहाँ पर भी मैन इन्वॉल्व है, चेयरमैन, इसमें भी मैन इन्वॉल्व है. मीन्स जनरलाइज चीज़ों के लिए आप मेल्स को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं एज आ डोमिनेंट जेंडर. सो जो आपकी लैंग्वेज है वो भी एक्चुअली लिंग्विस्टिक के अंदर परपेचुएट कर रही होती है जेंडर इनइक्वलिटी को. इसके अलावा और बहुत सारी टर्म्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है, फॉक्स, बिच, बेब, डॉल लाइक, ये सारे वर्ड्स हैं जो कि डी वैल्यू कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर जेंडर को, जहाँ पे आप फीमेल्स को बता रहे हैं कि अ फीमेल इज़ अ पेट लाइक, अ चाइल्ड लाइक, अ टॉय लाइक एट्रीब्यूट. सो ये सारी चीज़ें हैं डैट आर एक्चुअली पोर्ट्रेइंग मेल डोमिनेंस इन अ सोसाइटी. फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है, अगर आप इसकी बात करें, कि टेलकॉट पार्सन, जिसने डिवीजन ऑफ लेबर पर काफ़ी काम किया है, इस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग क्योंकि मेल्स इंस्ट्रूमेंटल होते हैं और फीमेल्स एक्सप्रेसिव होती हैं, मींस मेल्स आर फिजिकली स्ट्रांग एंड गोल ओरिएंटेड एंड वुमेन इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, इमोशंस ओरिएंटेड होती हैं. सो ये चीज़ ऑब्वियसली एक फंक्शनिंग फैक्टर है कि उस पर्टिकुलर जेंडर को वही काम दिया जाए जिसके वो लायक है या जिससे वो ओरिएंटेड है. अगर मेल्स को कोई हार्ड टास्क दिया जा रहा है
या फिर टॉप या डोमिनेंट पोजीशन दी जा रही हैं, तो वो इसलिए क्योंकि वो फिजिकली स्ट्रांग है। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर बायोलॉजिकल है, ये लेबर अकॉर्डिंग टू दिस परस्पेक्टिव ये सोशली कंस्ट्रक्टेड नहीं है बल्कि ये बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकली मेल्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन फीमेल्स, सो उनको डोमिनेंट प्लेस मिलनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या वर्क प्लेस के अंदर एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। और फीमेल्स का ये काम है कि वो दे कैन परफॉर्म हाउस कोर्स इन अ वेल मैनर, पर क्योंकि वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, तो दे कैन नर्चर देयर चिल्ड्रेन, दे कैन प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू ऑल दी फैमिली मेम्बर्स इन अ प्रॉपर वे एज़ कम्पेयर टू मैन। तो ये दोनों जो जेंडर्स हैं इनके अपने अपने काम हैं, और अपने जो काम जिससे इनकी ओरिएंटेशन है उसे ये ज़्यादा अच्छे वे में और फंक्शनिंग वे में परफॉर्म कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव कहता है दैट जेंडर इनइक्वेलिटी आर बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट सोशल लाइफ इज़ अ कंटिन्यूस स्ट्रगल इन विच मेम्बर्स ऑफ पावरफुल ग्रुप्स मेल्स सीक टू मेंटेन कंट्रोल ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज सच एज सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सुपीरियॉरिटी। ये पर्सपेक्टिव क्योंकि इनइक्वेलिटी की बात करता है, पावर की बात करता है, मोनोपोली की बात करता है, सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव जो मेल्स होते हैं किसी भी सोसाइटी में उनके पास ज़्यादा पावर होती है, तो इसलिए वो ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं क्योंकि रिसोर्सेज कम है, सो दे नीड टू होल्ड ऑल द रिसोर्सेज एंड पावर्स इन अ सोसाइटी। और वो डोमिनेंट होते हैं एंड दे आर एक्सप्लॉइटिंग वीमेन। और फिर मेल्स में भी डिविजन्स हैं, जो अपर क्लास के मेल्स हैं उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू मिडिल एंड लोअर क्लास। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जेंडर इनइक्वलिटी एंड डिफरेंट डायमेंशंस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी इन द फ्रेमवर्क ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आई होप इट हेल्प्ड। थैंक यू।